इस संगीतमय श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं कि कैसे एक आम आदमी सिंगर बन सकता है और कैसे एक आम आदमी गाने लिख सकता है। क्या टैलेंट जन्मजात होते हैं या फिर उसे सीखना पड़ता है? सर, बहुत से लोग ये कहते हैं कि टैलेंट जन्म क्या बोल रहे हैं आप, जो वर्ड था क्या, जन्मजात से आता है, क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता सर, क्योंकि टैलेंट को बिल्ड किया जाता है विद टाइम और प्रैक्टिस से, मैंने बहुत लोगों का सुना है। देखिए, ये एक प्रकार से मिथ है। टैलेंट कभी जन्मजात नहीं हो सकता है। अगर टैलेंट जन्मजात होता तो आप फ्रेंच बोल रही थी। क्या आपको अवधी आती है? क्या आपको भोजपुरी आती है? क्या आपको बंगाली आती है? लैंग्वेज, भाषा, अगर टैलेंट किसी के अंदर इनबिल्ड होता तो वो सारी लैंग्वेज का ज्ञाता होता, पैदा होते ही सब कुछ वो बोलना शुरू कर देता, क्योंकि वो अल्फाबेट सीखता है, जैसे कि मां, फिर से बार बार रिपीट किया जाता है, पापा, अम्मा, काका, नानी, भैया, धीरे धीरे वो उन चीजों को सीखता है। हां, इमोशंस उसके इनबिल्ड होते हैं, जैसे कि एक माँ और बेटे का। लेकिन इसने क्वेश्चन यही पूछा है, इसने क्वेश्चन गलत कर दिया। इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि आप कह रहे हो कि टैलेंट जो है जन्मजात होता है, लेकिन कई लोग, मैं ऐसा नहीं मानती कि टैलेंट होता है जो, वो बाद में भी निखारा जा सकता है प्रैक्टिस के जरिए। इसने क्वेश्चन में बोला है कि आप कह रहे हो कि टैलेंट जन्मजात होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि टैलेंट इनबिल्ड होता है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि टैलेंट सीखने से होता है, जी, गुरुओं के माध्यम से। आपका पहला गुरु आपकी माँ होती है, आपके माता पिता होते हैं, वो फिर आपको गुरु के पास ले जाते हैं, गुरु आपको नॉलेज देता है, उस नॉलेज के माध्यम से आप पूरी सृष्टि को पहचानते हैं, शब्दों को पहचानते हैं, रिश्तों को पहचानते हैं, जितना सब कुछ होता है उस गुरु के द्वारा दिए गए नॉलेज के आधार पर ही आप डिसाइड करते हो कि क्या है। ऐसा होता तो हर कोई मैथ में, हर कोई गणित का स्टूडेंट होता, फिजिक्स का होता, कि इसको तो ये वरदान मिला है, मतलब बचपन से यही हाँ, है exactly, यही है जैसे मतलब, हाँ जी रोहित, जैसे मैं म्यूजिक में ट्रेनिंग लेती हूँ और मैं सिखाती भी हूँ, तो अब ये है कि कुछ बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे आते हैं जो हम, जो सात स्वर की अगर हम बात करें, सारे गामा पा धा नि सा, जो सारा खेल संगीत में हो रहा है, जितने भी गाने पूरे वर्ल्ड में, चाहे जापानीज, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, बॉलीवुड गाने, सब कुछ हमें, हम वी ऑल नो कि इन सात स्वरों में ही सारा खेल, इन सात स्वरों में ही होता है। कुछ बच्चे जो आते हैं उनमें ये जो सात स्वरों का जो साउंड है वो ऑलरेडी दे नो, दे हैव दैट ज्ञान, वो उनके पास वो साउंड, वो सुरी, उनको हम सुरीले बच्चे कहते हैं। बट आप जिस पॉइंट पे आ रहे हैं कि ट्रेनिंग से गुरु अगर सिखाए तो इन ये सात साउंड कहाँ पे एग्जैक्टली है वो गुरु सिखा सकता है, सो एनीबडी कैन बिकम अ सिंगर। देखिए, मैं जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ बच्चे इनबिल्ड होते हैं, देखिए ये कतई सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो जैसे कि मैं हरियाणा के ऊपर कमेंट नहीं मार रहा हूं, वहां के बच्चे, उनकी लैंग्वेज, देखिए सुरीला होना एक अलग बात, ठीक है, किसी के अंदर कंठ, मतलब कंठ उसका सुरीला है, वो टैलेंट नहीं है, वो बेसिकली उसके एनवायरमेंट पर निर्भर करता है, उसके माता पिता कैसे हैं, जैसे उसके माता पिता बोलेंगे वैसे ही बोलेगा। देखिए, एक हरियाणा का बेल्ट, जैसे दिल्ली का जो क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे उसके आसपास रहने वाले लोग, उनकी आवाज थोड़ा ऊपर होती है, अगर आप बंगाल में जाएंगे, आसाम में जाएंगे, तो उनका सुर नीचे होता है। बेसिकली सब कुछ एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। जो बच्चा, जिसके माता पिता शुरू से उसको वैसी एक ट्रेनिंग देते हैं,
एक प्रकार से वो ट्रेनिंग नहीं जो कि संगीत की ट्रेनिंग होती है कि मतलब कैसे आप सकता बोलोगे, साउंड बेसिकली क्या होता है, साउंड, तो जैसे वो साउंड से वो सुरीला होता है, जैसे वो कहते हैं कि उसकी आवाज अच्छी है यस, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, पर सुर तो यहाँ ही देना पड़ेगा। मगर मैं फिर इस बात पे आना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे सुरीले, मैं दो अगर सेक्शंस में डिवाइड करूँ तो सुरीले लोग, सुरीले बच्चे और बेसुरा, कान जैसे तानसेन और कानसेन कहा जाता है, तो जो सुरीले होते हैं अगर वो सीखने आए और बेसुरे जो हैं अगर वो सीखने आए, बेसुरों को सुर में लाना क्या गुरु के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा टाइम लगता है, या क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सुरीले ऑलरेडी जिनमें गॉड गिफ्ट है उनके लिए पूरा संगीत का जो ज्ञान है सीखना वो थोड़ा सिंपलर बन जाता है? क्योंकि ये आपने अभी कहा कि आप इससे डिसएग्री करते हैं, बट मैं जितने सालों में मुझे सिखाते हुए 12 साल हो गए, ये डेफिनेटली है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सुर में होते हैं जिनको मुझे मिनट लगता है कि भाई जो जो और कि ये सारे गाना बजा नहीं ना नहीं ना बजा नहीं ना, मुझे बस उनको शब्द बता देना पड़ता है, दे आर इन सुर, मुझे बस नाम बता देना पड़ता है कि भाई ये जो तुम सुरीला, उनको ये नाम है भाई, ये सारे गामा इनके नाम है, सात नाम है, तो वो फट से विद इन मिनट्स दे कैच। बट जो बेसुरा, अब बेसुरा जो है उसको इतने सारे साउंड में मुझे समझाना पड़ता है, उसको वो साउंड सबसे पहले समझाना नहीं, पड़ता मैं है आपकी बातों को एग्री ही नहीं करता पहली अच्छा, बात को अच्छा। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ये पूरी जो सृष्टि है ना लॉजिक पर चलती है, विदाउट लॉजिक आप नहीं कर सकते, ये साहित्य नहीं है जहां पर आप सिर्फ फ्लो कर जाएंगे। देखिए अगर ऐसा होता, देखिए नॉलेज की बात हो रही है ना, देखो जो संगीत है वो भी एक नॉलेज ही है, वो एक प्रकार से सिर्फ इमोशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसे आप क्लास में जब जाते हो, बच्चा एक गणित में तेज होता है ठीक है, एक फिजिक्स में अच्छा होता है, जिस किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, सब्जेक्ट वाइज अच्छा होता है। अब एक सुरीला है एक बेसुरा है, इसका मतलब ये नहीं जो बेसुरा वो गाना नहीं गा सकता, ठीक है, वो भी गाना गा सकता है जिस दिन उसे ज्ञात होगा कि ये अक्षर और या ये शब्द कैसे आप ठीक से उसे बोले, उसको सॉलिडिफाई करके मुझे बताना होगा कि भाई ये जो साउंड है ये सा है, ये रे है, ये गा है, ये मा है, वो समझाना पड़ेगा मुझे, उन साउंड को एस्टैब्लिश करके उसके साइकी में माइंड में डालना पड़ेगा कि ये सात स्वर है, तो उसमें यू आर राइट, एनीबडी कैन सिंग, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द टीचर, वो कितना पेशेंट है वो सात स्वर समझाने के लिए, उसमें उस वो कितना टाइम अपने स्टूडेंट को देना चाह रहा है, उसका जो सुर है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उसका स्केल क्या है, ये सारी चीजें टीचर को उसको बताना होगा, समझाना होगा। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टीचर की जरूरत ही नहीं, किशोर कुमार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, देखिए बेसिकली मैंने अपने पहले ही वीडियो में बोला था कि सिंगर वही बन सकता है जो नेचर को जानता है, नेचर के साउंड को जो समझता है, जितना वो व्यक्ति या वो बच्चा नेचर के करीब होगा वो उतना ही सुरीला होगा। क्योंकि साउंड क्या है बेसिकली, साउंड आपको सबसे पहले ज्ञान कहां से हुआ, झरनों से हुआ, चिड़ियों के चहचहाने से हुआ, शेर के दहाड़ने से हुआ, वो सब पहले आया था, बाद में फिर ये अक्षर आए, पहले तो वो साउंड आए ना, जब देखे मानव सभ्यता का जब विकास हुआ था डियर, तो वो जो हमारे यहाँ चीजें थी ना उसके आधार पर सब किस किया, किया समंदर की जो वेव्स है, जो उनकी लहरें आती हाँ। हैं, उसमें भी एक अब उनको महसूस करना होता, देखिए इसलिए कहा जाता है कि जैसे अभिनय में कहा जाता है कि जो गुड लिसनर होता है, जितना अच्छा श्रोता होता है उतना अच्छा अभिनेता होता है, उसी प्रकार से संगीत में भी जो जितना अच्छा सुन सकता है, देखिए जो बेसुरा है वो इसका मतलब कि वो अपने जीवन में कुछ सुनता ही नहीं, वो सिर्फ अपनी सुनता है कि आई एम। तो ये बात अगर जैसे आपने बोला कि नेचर से आपको उनकी साउंड्स को पहचानना होगा, तो ये कैसे किया जाए? नेचर हर जगह होता है, हर घर में चिड़िया होती है, लेकिन सर हर घर में बिल्ली होती है, जैसे कि फोक आर्टिस्ट, मैं उदाहरण लेता हूँ फोक आर्टिस्ट का, फोक आर्टिस्ट कहाँ जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, कहीं नहीं जाते,
वो बस खाली सुनते आते हैं, जैसे रामचरितमानस की चौपाई है, लोग गा रहे हैं और आज भी वैसे गाते चले आ रहे हैं। कुछ लोगों को पूरा रामचरितमानस याद है, कुछ लोगों को पूरा ऋग्वेद याद है। ये सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सारे गामा की अगर हम उत्पत्ति की बात करें वो भी नेचर के साउंड से ही लिया गया है। ये जो सात स्वर कहाँ से आए, इतने सारे सैकड़ों स्वरों में हम सात स्वर को कहाँ से, वेयर डिड दिस, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेवन स्वर। सो इसका भी इन्होंने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है कि वो नेचर, सा का जो उत्पत्ति है वो पीकॉक के साउंड से, पा का जो साउंड है वो कुकू बर्ड जो है उसके साउंड से, गा का जो साउंड है वो गोट गोट के आवाज से, धा जो है धैवत जिसको कहते हैं, इन सब स्वरों के नाम है, षड्जा ऋषभ गंधार मध्यम पंचम पंचम धैवत निषाद। तो धा का जो साउंड है वो हॉर्स, अगर आप हॉर्स की आवाज, हाँ के, तो उससे, तो ये he is absolutely right that तो ये जो आपने जो स्केल बजाया इस पे ये सारे एनिमल्स के साउंड फिट बैठेंगे, ऐसा ऐसा है, वहां से लिया गया it's modified ऐसा नहीं कि घोड़े का डायरेक्टली साउंड उठा के हम भाग रहे, ऐसा नहीं है। वैसे इसका विस्तार में जो है स्टाइलाइज किया गया है, जैसे संस्कृत के शब्द लिए गए हैं उसी प्रकार से नेचर के साउंड्स से। देखिए जो हमारे चार वेद है, एक वेद सिर्फ संगीत पर ही है, आई थिंक सामवेद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या और उनमें तीन स्वरों, सारे जो श्लोकास थे उस टाइम में तीन, सिर्फ तीन स्वरों के, स्वराज के ऊपर सारे जो श्लोकास थे वो बेस्ड थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट चांटिंग, उसको सीखा जाता है बकायदा। ओके, तो ये मतलब मेरा ये अभी क्वेश्चन मतलब समझ नहीं आया कि जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो साउंड्स हैं, ये जो जैसे आपने पीकॉक का साउंड बताया, हॉर्स का साउंड बताया और ये सब, तो इसमें भी तो एक म्यूजिक होता ही है ना। बिल्कुल, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे आपने, मैं वो समझ गया कि जैसे हॉर्स का जो वो हिनहिनाना होता है वो ऑब्वियसली नहीं लिया गया धा में, पर जो उसकी जो पीछे की जो एक म्यूजिक है वो, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, वो धा है क्या है ये? Sort of. देखिए बेसिकली साउंड है क्या, पहले साउंड को समझो, साउंड है क्या, आवाज किसे कहते हैं, आवाज में क्या होता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन समझते हैं आप। देखिए ये फिर बहुत टेक्निकल हो जाएगा, इस पर हम नहीं जाते हैं, हम आते हैं कि आम व्यक्ति कैसे गा सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप नेचर को महसूस करना शुरू करते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, या कुछ भी हो, या कहीं से भी कुछ आवाज आ रही है, अगर वो आपको पहचानना आ गया तो आप संगीत को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ सकते हैं और गा भी सकते हैं। तो यानी हमें एक अच्छा वो बनने के लिए, गायन बनने के लिए पहले हमें मेडिटेशन करना भी पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, लिसनर लिसन बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना। बोलते जिनके कान तेज होते हैं, पहले तो सबसे पहले कान को शार्प करना होता है, यू हैव टू लिसन टू द लिटिल लिटिल वाइब्रेशन, लिटिल लिटिल फ्रीक्वेंसीज दैट आर ऑसिलेटिंग, यू नो, इन इन द यूनिवर्स। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, योर माइंड हैज टू बी वेरी अलर्ट, यू हैव टू बी अ वेरी शार्प कीन लिसनर, देन यू विल बी एबल टू सिंग एंड बिकम अ गुड म्यूजिशियन। एंड देन अच्छा, जैसे ये होता है कि एनीबॉडी कैन डांस, ठीक है, तो उसमें जो होता है बेसिकली आप मन खोल, ऐसे बोलते हैं लोग कि मन खोल के नाचो, ठीक है, जैसा भी नाचो, दिल खोल के नाचो सॉरी मन नहीं। तो सिंगिंग में भी अगर ऐसा हो, तो मैंने सोचा है कभी कभार कि अगर ऐसे कोई सिंगिंग करता है दिल खोल के सिंगिंग, लेकिन उसका फिर भी कानों को खटकता है, तो इसका क्या है, anybody sing can sing? नहीं, ऐसा नहीं, that is where training comes, right? That is where, हाँ, आप देखो, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है, जब आप देखते हैं खेतों में काम करने वाले मजदूर वो गाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर गाते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है कि उसके कानों को खटकता है जो लोगों को साथ लेकर नहीं चलना चाहता है। देखो गाना जो अकेले का नहीं है, सिंगल का गाना नहीं है, स्वर, इसलिए कहा सात स्वर है, तो सात चीजें उसमें आ गई। तो वैसे भी आप सबको जब उसको समझना चालू कर देंगे, जैसे आप कभी गए हो जहाँ देखिए जहां पर धान लगता है या जहां मजदूर काम करते हैं वो गा रहे होते हैं, नहीं वो तो सुनने में अच्छा लगता है, वो मैं आपकी बात से वो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ, वो उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ। पर मैं इसको कैसे समझाऊं, जैसे
कोई गेट टुगेदर हो गया या फिर कुछ ऐसा, तो उसमें भी तो कई लोग दिल खोल के गाते हैं, लेकिन मतलब उनका वो नहीं हो वही पाता। बेसुरी आवाज में निकलता है, हाँ, राइट। सुरीली हाँ। वहीं पे ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग की अगर देखिए, बात अगर करें आपको प्रोफेशनल सिंगर बनना है तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि शादी में पार्टियों में ऐसे गाएं, तो अपने अंदर का जो झिझक है सबसे पहले उसे निकालो, क्योंकि अंदर क्या होता है 50% आपके अंदर झिझक होती है, 50% आप गाना चाहते हो, तो 50% सुर तो आपका वैसे ही खराब जाता है। तो मतलब एट द एंड दिल खोल के नहीं गाया। यस yes, हाँ। तो आपको कानों कैसे अच्छा लगेगा अगर दिल मतलब से गाता, जैसे आपको ही कोई बोले रोनो तो दिल खोल के बोलेगा तो आपको आप रुक जाओगे, अगर उसी को बोले कुछ भी अगर मतलब कुछ ऐसा बोले जो आपको खराब लगेगा तो आप चाहते हुए रुकना है, फिर कहना कैसे बोला नाम ही ठीक से नहीं ले रहा, आप निकल जाओगे। यानी सब कुछ वही है, यानी जैसे हम मम्मा पापा या नाम भी लेते हैं तो उसमें भी सुर होता है, जैसे मैं हाँ, माँ मा और पा, माँ तो सात स्वरों में भी माँ है और पापा पा भी है, पा भी है। और आप जो बात कर रहे हो वॉइस कॉन्फिडेंटली गाना, दिल खोल के गाना, वॉइस थ्रो करना, ऐसे ऐसे नाटक हमारे गांव में होते हैं जहाँ पे माइक्स नहीं होते और 10,000 की ऑडियंस, तो वो कैसे रीच करेंगे यात्रा। हाँ, ऑपरा, ऑपरा में भी माइक मैंने सुना है समटाइम्स दे डोंट यूज माइक, सो यू नो टू रीच द लास्ट पर्सन इन द देन यू हैव टू थ्रो, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड थ्रोइंग योर वॉइस, पेट से, पेट से गाते हैं, दैट नो पीपल हु प्रैक्टिस एंड हु नो द टेक्निक, हमारी वो हमारा हमारा बैठ जाता है ट्रेन में गाते हैं, वॉइस बॉक्स बहुत सेंसिटिव, वॉइस बॉक्स ट्रिक बहुत सेंसिटिव होता है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। गला उस व्यक्ति का खराब होता है जिसकी सांसें, जिसका ब्रीदिंग, जिसकी ब्रीदिंग सही नहीं होती है, उसको अपनी ब्रीदिंग पे काम करना चाहिए। तो ब्रीदिंग फेफड़ों में दी जाए या पेट में, जैसे अनुलोम अनुलोम विलोम, जैसे आपकी इस बात से मैं एग्री कर रही हूँ, जैसे मेरा मैंने देखा है खुद से पर्सनली कि मेरा गला बहुत खराब होता है, और वो रीजन इसे क्योंकि मैं सांस ढंग से नहीं लेती, मेरे को सिर्फ ब्रीदिंग में मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो मेरा कई बार गला बैठ जाता है। और गला आपका खराब होता है वाटर से, देयर इज अ सेइंग ब्रेथ इज गोल्ड फॉर म्यूजिशियंस, ब्रेथ को, ब्रेथ कंट्रोल को सोना माना जाता है, इट इज गोल्ड। वो जिसने ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक्स सीख लिया, सांस लेना कैसे है, पेट फूलेगा और सांस जब आप रिलीज करोगे पेट पिचकेगा, ये सिंपल सी, ये यू नो इनहेलिंग एक्सहेलिंग का जो ये पूरा जो क्रिया है, ये जिसने मास्टर कर लिया, इट्स अबाउट एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस, जैसे जिसने कर लिया वो जैसे गाना है वो आशिकी 2 मूवी फिल्म का जिसने अरिजीत ने ही गाना है, तो यानी कि वो जो एक लंबा सुर सस्टेनिंग सस्टेनिंग ऑन अ नोट, वो तभी वो कर पाया अरिजीत सिंह क्योंकि उसने पूरा सांस का, अनूप जलोटा एक सिंगर आप सबने सुना, वो हमेशा वो टेक्निक करते हैं, भीमसेन पंडित भीमसेन जोशी जी करते हैं, एक एक सुर पे वो एक मिनट दो मिनट लगे खींच के खींच के, तो और ऑडियंस ताली बजाने मतलब सांस रो मतलब एक ही सुर में पूरा सांस एक नोट पे पतली सी चले जा रहे जैसे कुछ, वो बहुत एक्साइटिंग होता है, एक्साइटिंग मोमेंट होता है सिंगर के लिए और ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस ये बहुत तभी होता है जब आप ब्रेथ कंट्रोल कर पाए। आप कर सकते हो मैम एक मिनट तक कंट्रोल, we can all try together। मेरा ये एक क्वेश्चन है कि जैसे कभी-कभार लोग मतलब आपने जैसे बोला anybody can sing है ना, और उसके लिए आपने फिर दूसरा पॉइंट रेज किया कि ब्रीदिंग का जो है एक वो होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आपने जैसे बोला कि पेट से सांस, पेट में हवा भरनी होती है और फिर गाना भी पेट से होता है, गाना भी पेट से होता है, गले से नहीं गाते, पेट से गाते हैं, जो उस्ताद पंडित होंगे वो बोलेंगे कि पेट से गाओ, दे ऑलवेज सेड पेट से, हम पेट से कैसे गाते हैं, गान तो गले से गाते हैं, बट या दिस दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन थिएटर्स एज वेल फॉर वॉइस प्रोजेक्शन। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि करेक्ट ब्रीदिंग क्या है, क्योंकि ऑर्गन तो लंग्स है ब्रीदिंग के लिए, बट फॉर फॉर करेक्ट वॉइस प्रोजेक्शन आप बोलते हो कि यू हैव टू ट्रेन योर स्टमक अब्डोमिन नॉट स्टमक टू बी प्रिसाइज, सो वी हैव टू ट्रेन आवर अब्डोमिन। तो क्या चीज करेक्ट है, मतलब लंग्स में वो करना जाना चाहिए या फिर एब्डोमिन का वो है? अप टू यू हैव टू टेक योर ब्रेथ फ्रॉम योर नोज गोज टू योर लंग्स goes down up to the your stomach is a balloon, so when the breath goes stomach
स्टमक ऐसे फूल जाएगा, अगर आप बहुत पतले भी हो तब भी ऐसे फूल जाएगा स्टमक, ठीक है? वो एक आसन, इसको इसको बलून समझो, सांस छोड़ना एंड देन सांस को लेना, वो ले बलून, ये हुआ। फिर वहां पे कुछ आप टाइम काउंट, अगर 8 का काउंट है, 8 काउंट आप रुके, या 4 का काउंट है, व्हाटएवर इज वर्किंग फॉर यू, क्योंकि हम सबका टेम्पो अलग है, बॉडी का टेम्पो अलग है, रिदम अलग है, ठीक है? 4 या 8 काउंट आप रुके, देन यू रिलीज and the stomach absolutely deflates. So this inflating is the word, right? Inflation and deflating jo hoga pet ka, isko but it has to be practiced. And it's a very slow, and the slower you breathe, doggies bahut jaldi breathe karte hain, which is why they die so soon. But yogis jo hote hain, bahut slow breathe karte hain, that is why they live long, 100. ध्यान में, बिल्कुल ध्यान, इट्स अ ध्यान, म्यूजिक इज ध्यान, म्यूजिक एक इबादत है, एक ध्यान है, एक साधना है। सबसे पहले एक्सरसाइज करनी होगी, लाइक ब्रीथिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, वो हमें स्टार्ट करनी होगी। राइटली सो, राइटली सो, संगीत क्लासेस लेने के पहले उसका जो वार्म अप, इवन डांस में यही है, जो वार्म अप टाइम है ना, डांस भी आप सीखना चाहोगे, आपको आपका कोच बोलेगा पहले, इवन जिमिंग जब आप करने जाओगे, फर्स्ट वार्म अप, warm up, same for music. Before you do your actual class with your guru, you need to warm up your voice. गरम करना पड़ता है, तब तो आप rags rags जो भी है, Bollywood गाना या जो भी आप Bollywood गाना जो भी सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। तो जैसे आप बोल रहे थे कि अलोम विलोम से आपकी ब्रीदिंग सही हो जाएगी, नहीं मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, ठीक है कि सिर्फ अलोम विलोम, हाँ ये सिर्फ एक माध्यम है, एक टेक्निक है, ठीक है ना? इस टेक्निक से कभी आप सिंगर तो बन सकते हैं, लेकिन बेहतर सिंगर बनने के लिए बेसिकली क्या होता है कि आपको बाल्यावस्था में जाना पड़ेगा। आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, वो सोया हुआ होता है, उसका पूरा पेट फूलता है और पिचक जाता है, और अभी आप अपने आप को देखिए, आपका पूरा पेट नहीं फूलेगा, आप हल्का सांस ले रहे हो, वो कर रहे हो, बेसिकली सब कुछ आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। आप जब अपने एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हो, एनवायरनमेंट मतलब कह सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपने जीवन से टेंशन मुक्त होना पड़ेगा। जब तक आप तनाव से में रहेंगे, तब तक आप कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका फायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन को ठीक करना होता है, कहते नहीं कि आपको अपना सेल्फ को ठीक करना होता है, चाहे वो अभिनय हो चाहे वो संगीत हो, जब उसको ठीक करते हैं, फिर ये जो एक्सरसाइज जो अभी इन्होंने बताया, वो सारी एक्सरसाइज उस पर काम करेंगे, जैसे कि खेतों में कोई खाद डाल दी गई। आज हम जो गाना करने जा रहे हैं, बेसिकली हम आम जीवन से लेंगे, हर किसी के जीवन में क्या चल रहा है उसको लेकर के एक नया गाना क्रिएट करेंगे। या तो आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। से फ्यू लाइंस, मैं बोलती, मतलब जैसे पहले की तरह हमने जो ऐसे आपने एक एक वर्ड पूछ लिया था, वो नहीं है, नहीं, नहीं। आपको अपने बारे में कुछ बताना, कुछ लाइंस पर्सनल लाइफ के बारे में, मतलब ऐसा कि क्या लाइफ में चल रहा है। ओके, मैं कहना चाहूंगी, अभी कुछ रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरा दिल टूटा है। गुड, ओके, गुड गुड, दिल टूटा है सर, बस दिल आ गया ना, दिल टूटा है, राज ने खाया, दिल टूटा है गाइस, ये दिल हो गया कि दिल है मान के ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक सिग्नल, वही तो, मतलब अब कभी ऑफ होती है, कभी ऑन हो जाती है, जोड़ा भी जा सकता, जरूरी जोड़ा जा सकता, चलो कोई नहीं, ये तो सबके जीवन में होता है। यस, जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे पहाड़ों पे एक चलते हम, मतलब वो एक होता ना कि वो एंड खत्म ही नहीं हो रहा, आप यात्री बन गए, यात्री मतलब रुद्र, ओके, आप, मैं, मुझे लगता है आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जहाँ होना चाहिए मुझे लग रहा है, मैं स्लोली स्लोली मुझे यूनिवर्स वहाँ प्लेस कर रही है, और एक रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, रणवीर, व्हाट इज हिज नेम, दिस गाय इज रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर, दीपिकाज हस्बैंड, हां रणवीर सिंह, रणवीर सिंह का गाना है ना, अपना टाइम आगे आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है
अपना टाइम आ गया। समय तो हमेशा होता है, बस इसे अपनाने की जरूरत होती है। तो शुरू करते हैं खुशी। हम सभी के जीवन को मिला करके एक ऐसा गाना लिखेंगे जिसमें सबको लगेगा कि ये मैं। अरे वाह। पर हमारे शब्दों को मिला के एक्चुअली ये लाइफ जैसी हो गई है। खुशी भी है, वो एक यात्रा भी कर रही है, फिर उसमें दिल भी टूट रहा है, फिर रोज रफ्तार, फिर अपना टाइम आएगा, फिर समय के साथ हम सब आ गया। तो ये गाने हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कैसे आएगा आपकी लाइफ में? मैं बेसिकली उस सूरज और चांद की तरह हूँ जो कभी रुकता ही नहीं ना कभी थमता है, बस वो चलता रहता चरखा। है चलता रहता है चरखा। सूरज और चांद की तरह चरखा तो रुक जाता है, उसको चलाना पड़ता है। अच्छा, सूरज और चांद को चलाना नहीं पड़ता, तो स्वतः चलता होता होगा ना, लाइक सर्कल या साइक्लिक जो चलता रहता, लाइक 8 बी साइक्लिक ना, ऐसे ऐसे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट गोस कम्स अराउंड। एक प्रकार से मैं मुसाफिर हूं, यात्री। तो सुन लिखते हैं कोई मुसाफिर ना मिला, कोई मुसाफिर ना मिला जहां भी गया खुशी ही मिली, खुशी ही पाया। जहां भी गया खुशी और गम दोनों गले मिले, दोनों मिले। अब वो तो देखना पड़ेगा कैसे वो कंपोजर है, तो जैसा कि शब्दों को हम चेंज कर सकते हैं। कोई मुसाफिर ना मिला जहां भी गए खुशी और गम दोनों मिले। चला था यात्री उनके चला था इस जहां में, खुशी की तलाश में, चलता ही चला गया ना मंजिल मिली ना कारवां रुका। इतना कंपोज कर लो पहले, फिर करते हैं आगे। वापस एक बार रिपीट करना मैम। कोई मुसाफिर ना मिला जहां भी गया खुशी और गम दोनों मिले, चला था इस जहां में जहां भी गया खुशी और गम मिले, दोनों मिले हटा दे, खुशी और गम मिले, बस हो गया, दो मिले। चला था इस जहां में खुशी की तलाश में, चलता ही चला गया ना मंजिल मिली ना कारवां रुकी, ना रुका। अब यानी हमें इसमें म्यूजिक कंपोज करना है उन सात सुरों के साथ। उन सात सुरों में हाउ डू वी, ओके सो जब हम ये लाइन सुनते हैं कोई मुसाफिर ना मिला, क्या आ रहा है, कौन सा धुन आ रहा है आपके माइंड में? जस्ट रैंडम, फॉरगेट सारे गा पा धनी सर, शब्द में म्यूजिक होता है, एवरी वर्ड है सैडनेस वाला कि कोई मुसाफिर ना मिला, राइट? बट इफ यू वर टू सिंग इट, नहीं मैं तो सैडनेस वाला नहीं, मुझे पता क्या वो ही गाना ना मुसाफिर हो यारो, ये हो सकता है कोई मुसाफिर ना ठिकाना। मुसाफिर शब्द सुन के मुझे देखिए वो सब तो कहते नहीं कि वो जब वो गाना आया था तब वो स्वर्णिम काल कहा जा सकता है संगीत का, और किसी महान व्यक्ति ने इसको लिखा है। कोई मुसाफिर ना मिला Thank you.
खुशी और गम दोनों मिले, दोनों मिला, अच्छा दोनों नहीं, गम खुशी और गम मिला। खुशी की तलाश में हटा दें, हटा दो इसको, हटा दो ये जुड़ जाएगा, अच्छे जुड़ेगी लोग उसको, हटा के उसको हटाए
it again. Everybody together. Yes. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वहीं पर लिखिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी उन पंक्तियों को शुरू में फिरोएंगे। ये मेरा आपसे वादा। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू। नीरे गारे नीरे धानी रे गाय रे सा माधा पा गामा गा पा माधा पा रे गाय रे नी रे धानी रे गाय रे सा।